उर्दू टेक्स्ट सेट तीन डिफरेंट तरह के थे, हमने देख लिया था। सीएलई सेंटर ऑफ लैंग्वेज इंजीनियरिंग लाहौर ने बनाया था इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एक इंडियन पार्ट ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट सेट है, जिस उर्दू में भी है, हिंदी में भी कॉर्पस उसमें से टैग हुआ हुआ है। और फिर तीसरी चीज थी यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज। तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज वालों ने कहा यह था कि हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए टैक्स सेट्स एक ही स्टैंडर्ड होगा, और उस स्टैंडर्ड से हम मल्टीपल लैंग्वेजेस को पार्ट ऑफ स्पीच टैग भी करेंगे और उसकी फिर सिंटैक्टिकल एनालिसिस भी सिमिलर तरीके से करेंगे। तो उन्होंने यूनिवर्सल टैक्स सेट दिया। अच्छा, इस यूनिवर्सल टैक्स सेट देते हुए जो शुरू का सवाल था, जो हम छोड़कर आए थे कि कोर्स ग्रेन होना चाहिए या फाइन ग्रेन होना चाहिए, उसमें ऐसे फैसला उन्होंने किया कोर्स ग्रेन होना चाहिए क्योंकि हम मशीन लर्निंग में इस्तेमाल करेंगे, तो मशीन लर्निंग को जितनी क्लासेस कम क्लासेस दी जाए उतना बेहतर है। तो जो क्लासिकल मेथड था, जो क्लासिकल टेक्स्ट सेट था 8 वाला, ये मोर और लेस वही है। उसमें कुछ चीजें ऐड कर ली गई, फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब को अलहदा कर दिया गया। तो यूनिवर्सल टेक्स्ट सेट की एग्जाम्पल देख लें, हमने कुछ देखी भी थी कि यूनिवर्सल टेक्स्ट सेट में नाउन सिंगुलर प्लूरल डजेंट मैटर, किताब और किताबें दोनों सिंगुलर नाउन है, किताब किताबें किताबों तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं लेकिन हम उसे नाउन कहेंगे। हाँ, जो नाउन मुख्तलिफ है वो प्रॉपर नाउन मुख्तलिफ है, कराची कामरान वगैरह, इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में, नेम एंटिटी रिकग्निशन में, हमारे पास जो नेम एंटिटीज आती हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है, वो प्रॉपर नाउन होती है। तो बेहतर यह है कि प्रॉपर नाउन हमें पता होता है कि कौन सी चीज प्रॉपर नाउन है और कौन सी चीज आम नाउन है। फिर वर्ब और ऑक्सिलरीज को अलग कर दिया गया, पढ़ता वर्ब है और ऑक्सिलरीज रहा और है, ये सारे ऑक्सिलरीज एक साथ ही हमने उसे ऑक्सिलरी कह दिया। एडजेक्टिव क्वांटिफायर्स वगैरह सब इसमें आ गए, ऑर्डिनल क्वांटिफायर या सिंपल क्वालिटीज, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडवर्ब्स रोजाना, बहुत, तकरीबन। अच्छा, एडवर्ब्स में एडवर्ब्स सेंटेंस लेवल भी होते हैं और एडवर्ब्स फ्रेज लेवल भी होते हैं। बहुत जो है वो रोजाना और तकरीबन, तो आप ये कह लें कि सेंटेंस लेवल पर होता है, वर्ब के साथ आता है कि एक्शन के साथ आता है कि मैं रोजाना एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत हो गया या तकरीबन हो गया, ये नॉर्मली नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो एडवर्ब्स एक तरह की मिसलिनियस पार्ट ऑफ स्पीच टैग होता है जिसमें हम मिसलिनियस मॉडिफाइज डाल देते हैं। फिर हमारे पास प्रोनाउन आ गए। प्रोनाउन में मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, ये सब प्रोनाउंस हैं। डिटरमाइनर में वो इंग्लिश में ए और दा भी इसमें आ जाएंगे। एक अच्छा सवाल है कि हम उर्दू के ये सारे डिटरमाइनर, प्रोनाउंस और ये जो क्लोज क्लास वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं जो नाउन फ्रेज में जो क्लोज क्लास वर्ड्स हैं, वो लेकर बैठें और उसके बाद वो फैसला कर लें, हम आपस में डिस्कस कर लें कि इस किसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करते हैं कि इसका एक सेशन रख लें। और मैं, तुम, वो जो है फिर एम्बिगुअस है, प्रोनाउन भी होता है वो और दूसरा, यानी वो आया, ये इसमें वो प्रोनाउन है, वो लड़का आया, इसमें वो जो है वो डेमोंस्ट्रेटिव है, डिटरमाइनर है जो लड़का को मॉडिफाई कर रहा है या लड़का को स्पेसिफाई कर रहा है। एडपोजिशन, प्रीपोजिशन और पोस्टपोजिशन दोनों, ने भी है और अंदर भी है। और इसी तरह से अगर प्री कोई आ रहा है, जैसे इन द रूम में इन, क्योंकि द रूम से पहले है तो ये प्रीपोजिशन है, कमरे में क्योंकि में कमरे के बाद है तो इसलिए वो पोस्टपोजिशन है, लेकिन दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होगा एडपोजिशन। नंबर को अलग कर दिया गया, तो दो न्यूमेरल्स, दो और टू अलग हो गए। कंजंक्शन और या लेकिन, कंजंक्शन और फिर इसी तरह से पंक्चुएशन मार्क्स, सारे पंक्चुएशन मार्क्स को एक साथ रख दिया गया। एक्स जो इनमें से किसी चीज में डील नहीं हो रहा हो, उसको फिर हम एक्स के तौर पे डील करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट सेट हो गया। तो इसने एक हमारा मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एनोटेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। अगर हमने किसी एनोटेशन के लिए किसी एनोटेटर को काम दिया है तो हम कहेंगे जो नाउन नजर आ रहे हैं उन्हें नाउन कह दो,
जो वर्ब नजर आ रहा है उसे वर्ब कह दो, जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें ऑक्सिलरी कह दो। तो ये बात आसान है समझाना, बजाय इसके कि आप हम मुझे नाउन की वो फॉर्म समझाएं कि किताबें और किताबों में क्या फर्क होता है, एक ऑब्लिक प्लूरल है और एक नॉमिनेटिव प्लूरल है। तो इतनी ग्रामर पढ़वाने की जरूरत नहीं है। पढ़ता और पढ़ती में और पढ़ा और पढ़ूं में क्या फर्क है, ये हमें उसे समझाने की जरूरत नहीं है। वर्ब है तो उसे वर्ब टैग करना है। तो एनोटेशन भी आसान हो गई और बेहतर क्वालिटी की हो जाएगी, और उसके बाद उस पर मशीन लर्निंग भी बेहतर क्वालिटी की हो जाएगी। लेकिन जो सवाल रह गया कि मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिस हो गई, हम द गुड बुक नहीं कह सकते, द बेस्ट बुक कह सकते हैं, या द बेस्ट हमें कहना लाजमी है, गुड से पहले द कहें या ना कहें फर्क नहीं पड़ता। तो डिफरेंट फॉर्म के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चाहिए। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को रखने के लिए फिर एक और तरीका यूज किया गया कि हम ये कहें, अच्छा ये यूडी पाइप है, यूडी पाइप चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग ने एक पूल बनाया है जो डिपेंडेंसी पार्सिंग करके देता है। उसका मैंने सिर्फ एक छोटा सा चंक आपको यहाँ पे दिखाया है कि लड़कियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी, लड़कियां नाउन है। अच्छा हम ये देख लेते हैं ये इस किस फॉर्म में होता है। पहला बता रहा है कि वर्ड नंबर या टोकन नंबर क्या है, फिर फॉर्म लड़कियां, लेमा उसकी रूप जो है वो लड़की, यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच टैग नाउन। चाहे तो बहुत सारे सिस्टम ये करते हैं एनोटेशन स्कीम, ये एक एनोटेशन स्कीम है जिसे कॉर्नेल एनोटेशन स्कीम कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग, CONNLL, कॉर्नेल एनोटेशन स्कीम। तो वो ये कहता है कि आप यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच टैग बताएं, और आपका अगर कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक टैग सेट है और आप वो भी बताना चाहते हैं तो वो भी बता दें। तो ये जो इंडियन लैंग्वेज टैग वाला टैग सेट है ये वो है कि ये सिर्फ नाउन है। फिर आपने बता दिया कि केस नॉमिनेटिव, जेंडर फेमिनिन, नंबर प्लूरल और पर्सन थी। तो केस नॉमिनेटिव है, केस ऑब्लिक होता तो ये लड़कियों होता, या ये लड़कियों होता तो हम यहाँ पे केस ऑब्लिक लिखते। लाइब्रेरी उसी तरह से बाद नाउन, नॉमिनेटिव, केस एक्यूजेटिव हो गया। एक्यूजेटिव क्यों, क्योंकि इसके बाद एक पोस्ट पोजिशन आ रहा है, में आ रहा है। तो लाइब्रेरी में, लाइब्रेरियों में होगा, लाइब्रेरिया में नहीं होगा। तो इस वजह से केस एक्यूजेटिव हो गया, जेंडर फेमिनिन, नंबर सिंगुलर, पर्सन थ्री। तो हमने हर वर्ड के साथ उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी देने लगे। पार्ट ऑफ स्पीच टैग का काम थोड़ा सा आसान हो गया कि वो यूनिवर्सल टैग सेट बता रहा है और उसके साथ साथ वो ये भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है। तो हो सकता है वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर में गलती कर दे, केस नॉमिनेटिव के बजाय केस ऑब्लिक कर दे, जेंडर फेमिनिन के बजाय जेंडर मैस्कुलिन कर दे, लेकिन वो गलती फिर यहाँ होगी, पार्ट ऑफ स्पीच उसने सही बताया। अगर सब चीज को एक ही स्ट्रिंग में रख देंगे कि जो हार्डी ने किया था, जो पेंट्री बैंक को फॉलो करते हुए हार्डी ने किया था कि ये नाउन है, फेमिनिन है, नॉमिनेटिव है, प्लूरल है, तो फिर एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा टैग गलत हो जाएगा। पूरा टैग नहीं, उसके चंक कर दिए, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन बता रहे हैं, केस अलहदा से बता प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जेंडर अलहदा से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नंबर अलग से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो जब गलती अगर एक चीज में होगी कि हमने नंबर गलत प्रेडिक्ट किया, तो सिर्फ नंबर गलत प्रेडिक्ट किया, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सही है। तो ये मौजूद था, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा दिए। इसको देखकर फिर हम मुख्तलिफ लैंग्वेज के लिए डील कर सकते हैं। इसी को देखकर जो बहुत अच्छा सवाल किया कि उर्दू में सब था या उसमें हर भी लिखा हुआ था या कोई है, कोई का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, हर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या, हर शख्स ने कहा तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, इनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। मैं एक लिस्ट भेजूंगा आपको कि आप लोग सोचें, और उसके बाद हम फिर बात करते हैं कि इसका क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों ने इसे किस तरह से डील किया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग के लिए कि अब अगर हम में ये पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स यूज करने हैं किसी प्रोग्राम में तो हम क्या करें। मैं ये शेयर में चैट में ये लिंक भेज रहा हूं जो इन दो पार्ट का है।
इसमें वर्कशॉप CLT 20 कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी 20 में ये वर्कशॉप थी जिसके तीन पार्ट थे, इसमें से पहला और दूसरा रेलेवेंट है तो मैंने एज इट इज यहीं पे उसे यूज कर रहा हूँ। थर्ड में पे वो नेम्ड एंटिटी बना रहे हैं, फर्स्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये मौजूद है और हो सकता है कोई ऐसा बैठा हुआ हो जिसने लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग फॉर लिंग्विस्टिक्स वाले सेशंस ना अटेंड किए हों, तो उसके लिए एक इंट्रोडक्शन ये है कि गूगल कोलैब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो पाइथन के लिए आप अपने कंप्यूटर पर पाइथन का सिस्टम इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं, बाज़ दफ़ा उसका पूरा एक आईडी वो एनाकोंडा कहलाता है वो इंस्टॉल करते हैं और उसके जरिए प्रोग्रामिंग करते हैं, या फिर आप गूगल कोलैब डॉट रिसर्च डॉट गूगल डॉट कॉम जो पर नज़र आ रहा है इस पर आप जाएं और यहाँ पर आप फाइल लिखना शुरू कर दें। फ़ायदा यह है कि आपको कोई कंपाइलर इंस्टॉल करने की इंटरप्रेटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप यहाँ पर लिख सकते। यहाँ पर आप आए इम्पोर्ट डेट टाइम, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन और आपने खुश आमदीद, और अभी ये पुराना था, इस वक्त मैं रन करूँगा तो इसमें आज की डेट आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें इसके नेम NER हम आगे देखेंगे। अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच टैक्स पे डायरेक्टली आ जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स अगर हमें चाहिए तो हमें बनी बनाई लाइब्रेरी मौजूद है जिसे हम अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे आपके पास बहुत बड़ा टेक्स्ट है और आप देखना चाहते हैं कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच टैग क्या है, तो आप इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए इस्तेमाल उस टैग में के हर वर्ड उस टेक्स्ट के हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच टैग देख सकते हैं। ये जो लिंग्विस्टिक्स में हम काम कर रहे थे लास्ट टाइम, लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग फॉर लिंग्विस्टिक्स में हमने कहा था पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स गिन रहे थे कि कितने प्रोनाउन हैं और कितने एडजेक्टिव्स हैं और कितने प्रॉपर नाउन हैं और कितने पर्सनल प्रोनाउन हैं। तो किसी बड़े टेक्स्ट में गिनना हो तो उसमें हाथ से हमें जाहिर नहीं बनाना पड़ेगा बल्कि इनमें से किसी को यूज़ करना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स किस तरह से किसी गिवन टेक्स्ट के हम डील करें, उसके लिए हमें पहला काम ये करना होता है कि स्टैनफर्ड NLP इंस्टॉल कर दी। इसके लिए मल्टीपल लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जैसे एक लाइब्रेरी ऊपर यूज हुई थी स्पेसी, मैंने एक आध दफ़ा जिक्र भी किया था कि स्पेसी एक इज़ अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन पाइथन। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी मौजूद है NLTK, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। लास्ट टाइम शायद उसका मैंने प्रोग्राम फॉर लिंग्विस्टिक्स में जिक्र किया था या कभी ना कभी उसका जिक्र आ जाएगा। और तो स्पेसी में आपने इंपोर्ट की स्पेसी, पहले अगर आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है तो PIP इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं और उससे पहले ये वाला साइन एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं तो वो इंस्टॉल कर देता है। क्योंकि ये इंस्टॉल हुई है इसलिए हमने नहीं लिखा, अगर आपको इंस्टॉल करना होता तो इस कमेंट को अलग करते और आप पहले इसे इंस्टॉल करते और बाद में यूज़ करते। फिर आपने स्पेसी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया। गूगल कोलैब का फ़ायदा ये भी है कि जो मशहूर मशहूर लाइब्रेरियाँ हैं इसमें पहले से इंस्टॉल मिलती हैं, तो आपको स्पेसी NLTK जेनसिम वगैरह पहले से इंस्टॉल मिलेंगी, आपको बार बार उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो स्पेसी आपने इंपोर्ट कर दी, यानी मैं इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने में फिर आपने ये कहा कि इंग्लिश कोर वेब स्मॉल, इंग्लिश का वेब वाला कॉर्पस से जो स्मॉल कॉर्पस था उससे जो मॉडल बना है उसे लोड कर लें। लोड करके मॉडल जो बना वो इंग्लिश का वेब कॉर्पस था, उसका स्मॉल वर्जन भी था, बड़ा मीडियम भी है और लार्ज भी है, तीनों मौजूद हैं, और उसको आपने लोड कर लिया। उस पर पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स ट्रेन है, उस पर नेम्ड एंटिटीज ट्रेन है, उस पर डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स ट्रेन है और बहुत सारी चीज़ें उसमें ट्रेन मौजूद है। तो स्पेसी जब लोड किया तो आपके पास ये मॉडल आ गया जो मशीन लर्निंग से उन्होंने लर्न किया हुआ है। अब आपके पास एक सेंटेंस आया, सरफराज अहमद हैज रिटेन्ड एज पाकिस्तानी कैप्टन। तो ये आपके पास टेक्स्ट मौजूद है। अभी हम यहाँ पे मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया, किसी न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट किया, लेकिन आप इसे इस तरह से भी डील कर सकते थे कि इसको किसी फाइल से रीड कर लेते और उस फाइल का टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देते।
कल हम फाइल से डिलीट करना देखेंगे कि फाइल से किस तरह से डिलीट करते हैं, अभी तो हम टेक्स्ट खुद टाइप कर रहे हैं या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो एनएलपी ने उसे जी ओ जी सही है, वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूं और उसका लिंक मैं अक्सर ईमेल्स में भेज देता हूं नॉर्मली वीडियोस, और हर सेशन के 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाती है वीडियो, सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स वाली मिसिंग है वरना अब तक की सारी अपलोडेड हैं। तो मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक अगली जो मैं मेल करूंगा उसमें भी भेज दूंगा, वरना अभी मैं आखिर में शेयर कर देता हूँ यूट्यूब वाला चैनल जो है। अच्छा जी, तो एनएलपी और उसके साथ आपने जो टेक्स्ट जिसे आपको एनालाइज करना है वो पास किया, तो डॉक में उस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस आ गया। इसमें डॉक में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि उसमें कितने टोकन्स हैं, हर टोकन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसमें कितनी नेम्ड एंटिटीज हैं, इसमें डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर है तो क्या है। तो ये नेम्ड एंटिटीज वाली बात थी, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे तो मैंने स्किप कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इसी लाइब्रेरी को यूज करते हुए जिस तरह से आप एंड टेक्स्ट डॉट लेबल लिख के उसका पार्ट ऑफ एंटिटी देख रहे हैं, अगर एंड डॉट पी ओ एस अंडर स्कोर लिखते तो आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाता, यू पी ओ एस लिखते तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाता, तो पार्ट ऑफ स्पीच देखना भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी लाइब्रेरी पर, यह है स्टैनफर्ड लाइब्रेरी। इसी तरीके से एनएलटी के जो है उसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच मिल सकता है, तो हर लाइब्रेरी में आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। स्टैनफर्ड एनएलपी इसलिए यूज की थी कि इसमें इंग्लिश के अलावा उर्दू की भी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग मौजूद है। मेरे ख्याल में जितनी लैंग्वेजेस यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज में मौजूद हैं, जिनका कॉर्पस अवेलेबल है, उन सब के लिए स्टैनफर्ड एनएलपी में पार्ट ऑफ स्पीच टैगर मौजूद है। स्टैनफर्ड एनएलपी कोई बहुत ज्यादा मशहूर लाइब्रेरी नहीं है, यानी टॉप 2 में या टॉप 3 में नहीं आती, इसलिए इसे इंस्टॉल करना पड़ा। तो पीआईपी इंस्टॉल स्टैनफर्ड एनएलपी लिखा और उसने इसको इंस्टॉल कर दिया, ये सारी चीजें इंस्टॉल हो गई। फिर क्या किया हमने, जिस तरह से वहां पे इंग्लिश का मॉडल था, हमें उर्दू का मॉडल यूज करना है, तो उर्दू का मॉडल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। इम्पोर्ट स्टैनफर्ड एनएलपी, इम्पोर्ट ये करते हैं कि पाइथन में कुछ चीजें बिल्ट इन होती हैं, जैसे प्रिंट करना है तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, कोई टेक्स्ट है, उसकी लेंथ मालूम करनी है कि वर्ड उर्दू में कितने करेक्टर हैं, तो यू आर डी यू 4 करेक्टर है, तो लेंथ का फंक्शन बिल्ट इन मौजूद है। लेकिन कुछ फंक्शंस हमारे पास बिल्ट इन पाइथन में मौजूद नहीं होते, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए किसी ने कोड लिखा, उसको एक लाइब्रेरी का नाम दिया, उससे उसने एनएलटीके का एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ने किसी ने और कोड लिखा, उसके लिए उसने उस लाइब्रेरी का नाम उसने दिया स्पेसी। इसी तरह से मशीन लर्निंग के लिए किसी ने कोड लिखा, उसके लिए उसका नाम दिया उसने साइंटिफिक किट, एसआई किट, तो उसने एक अलग उसको नाम दे दिया। तो हर कोड की अलग अलग लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं जिसमें उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के फंक्शंस और ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। तो हमने स्टैनफर्ड एनएलपी इंस्टॉल की और फिर आप उसको स्टैनफर्ड एनएलपी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो वाले फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हो गए जो इस कोड में मौजूद थे। तो पहले हमने स्टैनफर्ड एनएलपी डाउनलोड उर्दू किया, तो उर्दू डाउनलोड हो गया, उर्दू का ट्री बैंक। उसने पूछा कि ये मैं बार बार नहीं चला रहा, लेकिन उसने हमसे पूछा कि मुझे उर्दू, आपको उर्दू डाउनलोड करनी है, यस या नो, हमने यस कहा तो उसने डाउनलोड कर दिया। तो स्टैनफर्ड एनएलपी की वेबसाइट पे जाके देख लें और कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में तो शायद कोई ना हो, हिंदी का इसमें अवेलेबल है, अरबी का अवेलेबल है, तो अगर आपको अरबी का पार्सल चाहिए या हिंदी का पार्सल चाहिए, या हिंदी का पार्ट ऑफ स्पीच टैगर चाहिए, अरबी का पार्ट ऑफ स्पीच टैगर चाहिए, तो वो भी आपको स्टैनफर्ड एनएलपी में मिल जाएगा। और आपने उर्दू का मॉडल डाउनलोड कर दिया। अब मॉडल डाउनलोड करने के बाद पहला काम आपने किया, पाइपलाइन बनानी शुरू की। पाइपलाइन क्या होती है? अच्छा, हम कस्टम पाइपलाइन भी बना सकते हैं और बनी बनाई पाइपलाइन यूज भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने बताया था डीप प्रोसेसिंग के स्टेप्स होते हैं कि पहले टोकनाइजेशन होती है, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होती है, उसके बाद सिंटैक्स होता है, उसके बाद सेमेंटिक्स होता है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। इवन पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के बाद फिर नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन भी इस्तेमाल होती है कंप्यूटेशन में।
तो ये स्टेप्स हैं कि पहले स्टेप में टोकनाइजेशन होगी, फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग होगी, फिर नेम आइडेंटिटी रिकग्निशन होगी, या फिर उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस होगा एंड सो ऑन। तो ये पाइपलाइंस बनी बनाई मौजूद है, हम यूज कर रहे हैं। बाद में इन फंक्शंस में हम चेंज भी कर सकते हैं कि टोकनाइजर हमने अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया या पार्ट ऑफ स्पीच टैगर हमने अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो स्टैनफोर्ड एनएलपी पाइपलाइन बनाई हमने उर्दू की, तो हमारे पास ये एनएलपी ऑब्जेक्ट आ गया, जिस तरह से स्पेसी में एनएलपी ऑब्जेक्ट आ गया था। अब इस एनएलपी ऑब्जेक्ट से हम जो टेक्स्ट पास करेंगे वो उसको पार्स करके दे देगा, उसका एनालिसिस करके दे देगा मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये डॉक बिल्कुल वही जिस तरह से इंग्लिश का कोड था उसी तरह से उर्दू का कोड है कि लड़कियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी, एनएलपी, और ये डॉक में आ गया हमारे पास। इसने क्या क्या काम किया पाइपलाइन में ये देख लें, टोकनाइज किया, कंप्यूटेशन में ज्यादा काम करना है तो ये भी इश्यूज होते हैं कि टोकनाइज उसने सही किया गलत किया। फॉर एग्जांपल तरक्की पसंद लिखा हुआ था तो तरक्की स्पेस पसंद लिखा हुआ था तो वो दोनों दो अलग अलग वर्ड है, ये एक वर्ड है। इस्लामाबाद लिखा हुआ था तो इस्लामाबाद दो अलग अलग वर्ड है, ये मिलके एक वर्ड बनते हैं, तो ये टोकनाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स डील करनी होती है। या थिंक के आगे फुल डैश लगा हुआ है, इस डैश को हटाना है या नहीं हटाना, या उर्दू का कॉमा और उर्दू का क्वेश्चन मार्क अलग होते हैं इंग्लिश के मुकाबले में, तो अगर कॉमा लगा हुआ है उर्दू का तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाए, उर्दू के पंक्चुएशन मार्क्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें टोकनाइजेशन में चली जाती हैं। फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की, फिर उसने लेमा बताए, तो ये सारे काम वो कर रहा है। और हर एक के लिए ये अलहदा मशीन लर्निंग मॉडल है, तो लेमा के लिए उसने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया हुआ है कि उसे वर्ड देते हैं और लेमा जनरेट करता है। लास्ट टाइम वो जो 3C वाला सेशन था ना, उसमें हमने देखा था कि अक्सर शेयर टास्क ये होते हैं कि आपको वर्ड फॉर्म दी जाएगी और उसका लेमा बताएं, तो इस तरह से उसने कोई डीप लर्निंग के थ्रू लर्न किया हुआ है स्टैनफोर्ड में, स्टैनफोर्ड पार्सर में। फिर डीप पार्सर उसने अप्लाई किया, डीप डिपेंडेंसी पार्सर उसने अप्लाई किया एंड सो ऑन। उर्दू का नेम एंटिटी रिकग्नाइजर मौजूद नहीं है, तो आप इसमें नेम एंटिटीज मालूम करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो डॉक था उसमें मल्टीपल, अभी तो एक ही सेंटेंस हमने पास किया था, अगर मल्टीपल सेंटेंसेस हम पास करें तो हमें मल्टीपल सेंटेंसेस का, इसके बाद दूसरा सेंटेंस होता तो हमारे पास एक ऐसी लिस्ट आती जिसमें मल्टीपल वर्ड्स होते, जैसे लड़कियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी फुल स्टॉप, और उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस आता तो दूसरे सेंटेंस का पार्स अलग आता, फिर तीसरा सेंटेंस आता तो तीसरे का पार्स अलग होता, तो हमारे पास डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। टोकनाइज का काम ये भी होता है कि पहले वो सेंटेंसेस में टोकनाइज करें और हर सेंटेंस को अलग कर दे, और फिर सेंटेंस के अंदर फिर वर्ड्स को अलग अलग टोकनाइज करें। तो हमने सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करना शुरू किया, सेंटेंसेस की लिस्ट मिल गई। इस वक्त एक ही सेंटेंस है, अगर हो सकता था 10, 100, 1000 सेंटेंसेस होते, तो सेंटेंसेस की लिस्ट में से सेंटेंसेस को वन बाय वन उठाना शुरू किया। फिर हर सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होंगे, जिस तरह से ये लड़कियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही हैं, तो हर सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की लिस्ट है। तो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स की लिस्ट है तो उसमें आपके पास वर्ड्स आ गए, तो लड़कियां, और फिर वर्ड को वन बाय वन पढ़ना शुरू किया फॉर लूप में। और फिर हमने हर वर्ड का टेक्स्ट के उसका नाम क्या था और उस वर्ड की प्रॉपर्टीज क्या थी वो जनरेट करवानी शुरू कर दी। तो लड़कियां, लड़कियां का इंडेक्स वन है, फॉर्म उसकी लड़कियां थी, लेमा लड़की, UPOS नाउन है, XPOS बीन नाउन है, यानी यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है और जो इंडियन वाला है वो भी नाउन है, और इसके फीचर्स ये मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये हमें डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर, ये तो तकरीबन वही है जो है, और इसके साथ साथ ये डिपेंडेंसीज भी हमें प्रोवाइड कर रहा है कि ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और किसका सब्जेक्ट है, इंडेक्स नंबर 5 का सब्जेक्ट। इंडेक्स नंबर 5 हम देख लेते हैं, इंडेक्स नंबर 5 पे पढ़ मौजूद है, तो ये पढ़ का सब्जेक्ट है जी। एक्सक्यूज मी सर, इसमें जरा देखिएगा ये जेंडर क्या ये रेफर कर रहा है, लड़कियों की जो जेंडर है ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये गलत, ये मतलब ये स्टैनफोर्ड पार्सर्स इस वक्त बहुत
इस वक्त जो पार्सर्स वगैरह अवेलेबल हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जो इस मॉर्फोलॉजी में मैंने जो कहा था ना कि अक्सर लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, छोटी छोटी बहुत एरर्स अभी बाकी हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड ने ये बनाया है, लेकिन वो इसकी जेंडर गलत डील कर रहा है, तो इसको इम्प्रूव करवाने की जरूरत है। सर इस तरीके से ये अब तो हमें इस हर लेवल पे जाके कि जहाँ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को बेहतर करने की जरूरत है। तो कोई मतलब किसी कोई एमएस थीसिस या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्यूटर साइंस का ये हो सकता है कि वो ये स्टैनफर्ड पार्सर को उठा के देखे, या लास्ट टाइम मैंने जो मॉर्फोलॉजी वाला दिखाया था उसे उठा के देखे कि ये चीजें प्रेडिक्ट कर रहा है उसको वो सही प्रेडिक्ट कर। और ये हमने इसी तरह से सर किताबें को देखें क्या कह रहा है, किताबों को की जेंडर में भी ये मैस्कुलिन क्या कह रहा है, मैस्कुलिन है, तो क्या हम किताब इसको हम न्यूट्रल जेंडर नहीं कहेंगे? नहीं, ये फेमिनिन है, दरअसल फेमिनिन होना exactly. चाहिए। होता यह है कि मशीन लर्निंग सिस्टम जो है अगर वो लर्न नहीं कर पाता वो अक्सर प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलता है, या तो उसे कोई रूल मिल जाए exactly. कि किताबें लड़कियां जो है ना वो किस तरह से हो, उसमें सफिक्सिस की बेस पर हम अगर अलिफ नून गुन्ना सफिक्सिस प्रोवाइड कर दें और ये कह दें और उस पर लर्निंग करवाना शुरू करें, तो अलिफ नून गुन्ना जो है ना हमें फेमिनिन में तो मिलेगा, मैस्कुलिन में नहीं मिलेगा। तो या हम इस तरह से कोई चीज़ लर्न करवाना शुरू कर दें, वरना हो सकता है उसने क्यों ये लर्न किया होगा मशीन ने, मशीन के पास ज्यादातर जेंडर मैस्कुलिन की चीजें ज्यादा मैस्कुलिन वो चीजें मैस्कुलिन प्रेडिक्ट कर रहा है। और ये जो सोशल लिंग्विस्टिक्स वाले बहुत एतराज करते हैं जो ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन वगैरह पे, कि अक्सर वो जो है ना वो मेजॉरिटी जो कॉर्पस मिलता है उसकी बेस पे वो फैसला कर देता है। जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में जेंडर नहीं होती, एक ही प्रोनाउन होता है, जैसे उर्दू में एक ही प्रोनाउन है वो। फिर टाइम खत्म। अच्छा, तो वो को जब ट्रांसलेट करेंगे तो ही में करेंगे या शी में करेंगे, एक क्वेश्चन ऑन हो जाता है। अच्छा, लेकिन सर वो के साथ तो फिर उसका जो भी वर्ड में तो हो जाता है, होगा वो डिफाइन करेगा ना कि वो आई या वो आया। हाँ, सही है, लेकिन वो डिटरमिन करेगा कि इसकी जेंडर क्या है। लेकिन जैसे टर्किश में है, टर्किश में वर्ड पे भी जेंडर नहीं होती है, तो टर्किश से का जो थर्ड पर्सन है जब इंग्लिश में जाएगा तो उसे ही करना है या शी करना है, वो एक मशीन ट्रांसलेटर के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और इवन उस वो फिर वो गलतियां करता है अच्छी खासी, और फिर वो कहते हैं कि बायस नजर आता है कि शी कुक्स होता है और ही ड्राइव्स होता है, यानी शी ड्राइव्स नहीं आता है, शी कुक्स आता है और ही ड्राइव्स आता है। तो वो एक सोशल लिंग्विस्टिक्स की ये प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के साथ बहुत ज्यादा है। मशीन लर्निंग कहती है मुझे जो कॉर्पस मिला है मैं तो उसी के हिसाब से डील करूं, रिजल्ट दूंगा। सर सर ठीक है। अच्छा, ये हो गया 849। अच्छा, अब इसमें कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लें। मेरे ख्याल में हमें एक डिस्कस करना चाहिए कि क्या हम वर्ड टू वर्ड शुरू करें या नहीं करें, और दूसरा कि आज वाले में अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये एक चीज खत्म हो गई कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स देख लिए, और हमने देख लिया कि अगर हमें लाइब्रेरी यूज करनी है तो हमारे पास 2-3 लाइब्रेरीज मौजूद है। स्पेसी भी यूज कर सकते हैं, स्टैनफर्ड एनएलपी भी यूज कर सकते हैं, एनएलटीके भी यूज कर सकते हैं। और कल वाले सेशन में, जो प्रोग्रामिंग फॉर लिंग्विस्टिक्स वाले सेशन में, हम इनमें से कोई लाइब्रेरी यूज करके टेक्स्ट को रीड करेंगे फाइल से, और अभी हमने अपना हार्ड कोड टेक्स्ट दिया हुआ था उसमें से हम बता रहे थे कि कौन सा नाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है, उसमें हम टेक्स्ट फाइल से रीड करेंगे, इनमें से किसी की मदद से उसे टैग करेंगे, और फिर हम गिनेंगे कि कितने प्रोनाउंस हैं और कितने नाउंस हैं। सर मैं आपसे क्वेश्चन जी, अब सर अभी आप तो ये इंडिविजुअल आप सेंटेंसेस कर रहे थे, अगर आपने किसी बड़े कॉर्पस को आपने पार्स करना हो इस तरह टैग करना हो तो वो भी आप प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं आप? हाँ, प्रोग्रामिंग के थ्रू। ये जो अभी मैंने एक सेंटेंस रखा है ना जी, तो एक सेंटेंस के बजाय
यही होता, और हम सिर्फ इससे पहले ये डॉक एनएलपी से पहले हम फाइल ओपन करते, ये हमें कल देखना है, फाइल ओपन करते, फाइल ओपन करके फिर हम उसको फाइल ओपन करने के बाद उसमें से उसे लाइन बाय लाइन रीड करते या पूरी फाइल एक साथ रीड करके वेरिएबल टेक्स्ट में रख देते और उस टेक्स्ट को यहाँ से पास कर देते। तो उसके बाद जो डॉक आता, डॉक होता लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, लिस्ट ऑफ प्रोसेस सेंटेंसेस। अगर उसमें 500 सेंटेंस थे तो लिस्ट में 500 एलिमेंट्स मौजूद होते, पहले में पहले सेंटेंस की प्रोसेसिंग का रिजल्ट, दूसरे में दूसरे सेंटेंस की प्रोसेसिंग का रिजल्ट। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरह से डील करने की कोशिश की थी। अभी तो इंस्टॉल करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये अगर आप कोड में देखें तो डॉक डॉट सेंटेंसेज, अभी तो एक ही सेंटेंस था, अगर यहाँ पे 500 सेंटेंस होते तो वन बाय वन सेंटेंसेज इस वेरिएबल एस में आते रहते, उसमें से हर सेंटेंस के अंदर जो प्रोसेस सेंटेंस थे वर्ड्स का कलेक्शन होता, तो उसमें जितने वर्ड्स हैं टोकनाइज होकर अलग अलग पड़े होते और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उनकी पार्ट ऑफ स्पीच अलहदा से मौजूद होते। तो एक वन बाय वन इसमें से एक एक वर्ड हमने देखना शुरू किया, वर्ड डॉट टेक्स्ट। और फिर इसमें हम ये कर सकते थे कि अगर ये वर्ड है और उसके बाद मैं वर्ड के साथ अगर मैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच लिखूं, यूपीएस लिखूं, तो वो यूपीएस को प्रिंट कर देगा, ठीक है, यानी ये इसका यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच बता देगा। अगर मैं इसका XPOS लिखूं तो इसका जो लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पीच है वो बता देगा। अगर मैं इसमें लेमा लिखूं तो ये उसका लेमा बता देगा। तो इस तरीके से हम इसे एड्रेस कर सकते थे। इसको एक चीज, ये सारी चीजें सिंगल कोट में आती, बिगर कोट के नहीं, बिगर कोट के जो चीज होती है वो तो वेरिएबल होती है। तो इसे लेमा लिखते या UPS लिखते वो इस तरह से, UPS हो गया या लेमा हो गया, इसको आप कल वाले में हम फाइल डिलीट करके इसे बाकायदा से यूज करेंगे इस तरह से। जी सर, इसमें कोई लिमिट भी होती है, लाइक अगर एक कॉर्पस आपका मिलियन वर्ड्स में या नहीं? ये लिमिट अच्छा खासा चल जाता है। मैंने तो अभी, बेहतर है कि आप सेंटेंस बाय सेंटेंस को अलग से सेंटेंस में डील कर लें और फिर सेंटेंस बाय सेंटेंस पास करें तो बेहतर है। मैं करके देखूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मली करता हूं कि पहले सेंटेंस में डिवाइड कर देता हूं फिर उसे सेंटेंस बाय सेंटेंस प्रोसेस करता हूं। लेकिन वो दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि आप एक मेरे ख्याल में 100 KB की फाइल तो आराम से हो जाती है, क्योंकि ये काफी अच्छे बनाए गए हैं सिस्टम, इसमें फ्लेक्सीबिलिटी होती है। आई शुड बी ग्रेटफुल सर, काइंडली बता दीजिए, क्योंकि मेरा खुद प्रोजेक्ट है PhD का, तो उसमें मतलब मिलियन कॉर्पस है, तो अगर उसमें मतलब 10 मिलियन वर्ड्स हैं या मतलब अगर उसमें 10 मिलियन वर्ड्स को आपने खुद अप करना है तो उसको कैसे करना चाहिए, या व्हाट इज द पॉसिबल वे? आई शुड बी ग्रेटफुल अगर आप उसमें बता दीजिए। सही, ये कल वाले में, कल के लिए मैंने रखा था और उसके लिए मैं तैयार भी सीधा से कर रहा था कि एक जो काम लास्ट टाइम किया था वो ये किया था कि हमने हार्ड कोड बताए थे कि ये वर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है और उसको काउंट कर रहे थे। कल हम उसे रीड करेंगे और रीड करके फिर देखेंगे, तो ये तो हम कल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, वो उसके साथ जाके बिल्कुल फिट हो जाएगा। और उसमें फिर हम ये भी करेंगे कि हम लेमा को भी काउंट करना चाहें और पार्ट ऑफ स्पीच को भी काउंट करना चाहें अलग से, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सर, इसमें मेरा एक सवाल है। जी, फंक्शनल एनालिसिस भी इसका किया गया उर्दू का यानी या इंग्लिश का, जैसे आमतौर पर सिस्टमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से, तो वो भी इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं, फंक्शनल कंप्यूटेशन में इस वक्त सिर्फ ग्रामेटिकल फंक्शन के लेवल से ज्यादा नहीं गए। ग्रामेटिकल फंक्शन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्लिक स्पेसिफायर, बल्कि स्पेसिफायर भी नहीं है, मॉडिफायर्स हैं, स्पेसिफायर वो LFG में होता है, इसमें नहीं होता मॉडिफायर्स। तो ग्रामेटिकल फंक्शंस तो डील किए हैं लेकिन वैसे नहीं किया। और उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या आप ऐसा कॉर्पस बना सकते हैं जो ये कर ले फंक्शनल एनालिसिस, मतलब आप इसी में
इन्हीं वर्ड्स के साथ क्या क्या फंक्शन क्या क्या अटैच करेंगे अगर आपको टैग करना हो। मशीन लर्निंग तो कहती है कि आप जो प्रोवाइड करें, आपने लड़कियों के सामने नाउन लिखा, लाइब्रेरी के सामने नाउन लिखा, मे एट पोजिशन हो गया, किताबें नाउन हो गया, वर्ब पढ़ वर्ब हो गया, रही ऑक्सिलरी हो गया, इस तरह से आपने 1 मिलियन वर्ड्स दे दिए, वो पार्ट ऑफ स्पीच टैगर लर्न कर लेगा। आपने कह दिया कि लड़कियां सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी ऑब्लिग है या और किताबें जो है ऑब्जेक्ट है, वर्ब रूट है, पढ़ रूट है, ये आपने इंफॉर्मेशन मे केस है, ये आपने इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये इसके ग्रामेटिकल फंक्शंस वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पास फंक्शन की थ्योरी और स्टैंडर्ड्स बने हुए रखे हुए हैं और आप 1 मिलियन का कॉर्पस टैग कर सकते हैं तो वो टैग कर लें, उसके बाद वो एक सिस्टम मशीन लर्निंग तो लर्न कर लेगी, लेकिन डिफाइन आप किस तरह से करेंगे लड़कियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही हैं, मतलब वो इनिशियली फिर मैन्युअली करना पड़ेगा इसका मतलब है। हाँ, वो स्टार्ट करना पड़ेगा। शायद कंप्यूटेशन वालों को फंक्शनल बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लगी, वो कंप्यूटेशन में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती, फंक्शनल फ्रेमवर्क जो है ना वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होता, और जो चीज कंप्यूटेशन में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती अभी उसे मॉडल नहीं किया जाता। सही। तो बहुत सारी चीजें प्रैग्मेटिक्स में ऐसी हैं जो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया गया।